अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। उरी हमले के बाद भारत की कूटनीतिक काम करती नजर आ रही है। ये भारत के कूटनीतिक दबाव का ही असर है कि अब पाकिस्तान ने कहा कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, हमें और परिपक्व होना होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना भविष्य तय करने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा कि हमारी इच्छा किसी की जमीन पर कब्जा करने की नहीं है, हमारा कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना भविष्य तय करने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। अगर उन लोगों को विश्वास है कि वे भारत के साथ खुश हैं और उसे जुड़ा महसूस करते हैं तो वो वैसे ही रहे। उरी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में हलचल की खबर है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि उरी हमले के बाद पीओके के लगभग 17 आतंकी शिविरों की लोकेशन बदली गई है। पीओके में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। सूत्रों ने बताया कि इन आतंकी कैंपों की लोकेशन पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से बदली गई है। उरी हमले के बाद जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सुबह सीमा से सटे बांदीपोरा के गुरेज में गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। इस इलाके में कुछ घुसपैठियों के होने की खबर है, उन्होंने ही ये गोलियां चलाई है। देर रात सुरक्षा बलों ने यहां तलाशी अभियान चलाया था, जिसके बाद आज सुबह गोलियों की आवाजें सुनी गई। घुसपैठियों ने ये गोलियां तब चलाई जब सुरक्षा बलों ने गुरेज के गांव बक्तौर को अपने घेरे में ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपनी कैबिनेट का 8वीं बार विस्तार किया। आज सबसे पहले शपथ लेने वालों में जियाउद्दीन रिजवी थे, उनके बाद गायत्री प्रजापति ने शपथ ली। इस कैबिनेट विस्तार में ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे को भी मंत्री बनाया गया है। उनके बाद रानीगंज से विधायक शिवाकांत ओझा ने शपथ ली। सिवान के बाहुबली RJD नेता शहाबुद्दीन की जमानत पर सुनवाई बुधवार तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार यानी 28 सितंबर को तय करेगी कि शहाबुद्दीन की जेल में वापसी होगी या फिर वे जेल के बाहर ही रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोर्ट ने आज शहाबुद्दीन से कहा कि वे अब बुधवार की सुनवाई के लिए तैयार रहे। आम आदमी पार्टी ने अब ओडिशा में ताल ठोकना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने राज्य में 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में आप ने कटक में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष भी कटक पहुंचे। टीम इंडिया ने ग्रीन पार्क कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए ऐतिहासिक 500वें टेस्ट में 197 रन से जीत दर्ज की। टीम इंडिया की ओर से रखे गए 434 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड टीम पांचवें दिन लंच के बाद 236 रन पर ऑल आउट हो गई। अंतिम आउट होने वाले बल्लेबाज नील वागनर रहे, जिन्हें RAshwin ने दूसरी पारी में अपना छठा शिकार बनाया। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा है कि कर्नाटक सरकार दिसंबर तक तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी नहीं दे सकता। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश टालते हुए तमिलनाडु को 23 सितंबर तक कावेरी नदी से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला टाल दिया था। उरी हमले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि घुसपैठ का एक और मामला सामने आया है। इस बार ये नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से नहीं बल्कि चीन ने की है। चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के भीतर करीब 45 किलोमीटर तक घुस आए और कैंप भी बनाया। घटना 9 सितंबर की है, जहां चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के अजम तक घुस आए। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में कैंप लगाकर 4 दिनों तक रहे। 13 सितंबर को भारतीय सेना ने उन्हें वापस घतेड़ा। दरअसल उस क्षेत्र में भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की ओर से संयुक्त पेट्रोलिंग की जाती है। पेट्रोलिंग के दौरान ही भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को वापस भेजा। तेलंगाना में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से मेदक जिले में 8 और वारंगल में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। ऐसे में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। वहीं सेना ने मेदक जिले बाढ़ में फंसे 24 मजदूरों को बचा लिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी है। तेलंगाना के मेदक जिले में शनिवार से आई बाढ़ में फंसे 24 श्रमिकों को भारतीय सेना ने बचा लिया है।
अधिकारियों ने कहा कि दो चेतक विमानों ने येदुपयाला में मंजीरा नदी से फंसे मजदूरों को बचाया। मध्य प्रदेश और ओडिशा के प्रवासी मजदूर इलाके में 3 पुलों के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर सीएम के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी और मंत्रियों से कहा कि वे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें। अपने पहले बहुकक्षीय प्रक्षेपण में भारत का प्रमुख प्रक्षेपण यान PSLV आज देश के मौसम उपग्रह स्कैटसैट 1 और 5 अन्य देशों के उपग्रह सहित 8 अलग अलग उपग्रहों को 2 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित कर रहा है। अपने पहले बहुकक्षीय प्रक्षेपण में भारत का प्रमुख प्रक्षेपण यान PSLV आज देश के मौसम उपग्रह स्कैटसैट 1 और 5 अन्य देशों के उपग्रह सहित कुल 8 अलग अलग उपग्रहों को 2 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुताबिक ये PSLV का पहला मिशन है जिसके तहत उपग्रहों को 2 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महासागर और मौसम संबंधी अध्ययन के लिए स्कैटसैट 1 और 7 अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।